हेलो दोस्तों, आज ना वीडियो में मोस्ट टाइम पी 40 प्रश्नों जोवाना छे जे खूब ज महत्वना छे, जेथी वीडियो ने शांति थी अने ध्यान थी जो। तो चलो जोईए आज ना मोस्ट टाइम पी तलाटीना प्रश्न। अने आ दोस्तों, हजी सुधी तमे जो अमारी चेनल ने सब्सक्राइब न करी तो सब्सक्राइब कर देंजो, जेथी करीने आवाज मोस्ट टाइम पी वीडियो तमने मळता रहे। तो चलो जोईए आजनो वीडियो। प्रश्न पहलो, भीमबेटका ने गुफाओ क्या आवेली छे? ऑप्शन सी ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी ओरिस्सा, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी बिहार। आनो जवाब आवशे सी मध्य प्रदेश। भीमबेटकानी गुफाओ मध्य प्रदेश में आवेली छे। प्रश्न बीजो, गुजरात राज्य की पश्चिम दरिया सीमाए कयो सागर आवेल छे? तो ऑप्शन सी ए पेसिफिक महासागर, ऑप्शन बी अरब सागर, ऑप्शन सी हिंद महासागर, के ऑप्शन डी आर्कटिक सागर। आनो आंसर आवशे बी अरब सागर। गुजरात राज्य की पश्चिम दरिया सीमाए अरब सागर आवेलो छे। प्रश्न त्रण, समानार्थी शब्द लखो। तो शब्द से काचीड़ो। तो ऑप्शन से ए सीधूर, ऑप्शन बी अर्धी, ऑप्शन सी सरट, के ऑप्शन डी हई। आंसर आवशे सी सरट। काचीड़ा समानार्थी शब्द सरट थाय छे। प्रश्न चार, याम समतल में काटकोण वाय ओ एक्स नी अंदर नो भाग खाली जगह पण कहेवाय? तो ऑप्शन से ए तृतीय, ऑप्शन बी चतुर्थ, ऑप्शन सी प्रथम, के ऑप्शन डी द्वितीय। आंसर आए डी द्वितीय। याम समतल में काटकोण वाय ओ एक्स नी अंदर नो भाग द्वितीय पण कहेवाय छे। प्रश्न पांच, गुजरातना कया लेखक कवि ने 2015 में ज्ञानपीठ एवॉर्ड आपवामां आव्यो हतो? ऑप्शन सी ए श्री रघुवीर चौधरी, ऑप्शन बी श्री प्रवीण दर्जी, ऑप्शन सी श्री विनोद भट्ट, के ऑप्शन डी श्री गुणवत्त शाह। आंसर आए ए श्री रघुवीर चौधरी, 2015 में ज्ञानपीठ एवॉर्ड आपवामां आव्यो हतो। प्रश्न छ, राज्यना मुख्य प्रधाननी शपथ कोना द्वारा लेवडावामां आवे छे? ऑप्शन सी ए राज्यपाल, ऑप्शन बी वडाप्रधान, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, के ऑप्शन डी चीफ जस्टिस। आंसर आए ए राज्यपाल। राज्यना मुख्य प्रधाननी शपथ राज्यपाल द्वारा लेवडावामां आवे छे। प्रश्न सात, रेखांकित संज्ञानो प्रकार लखो। नर्मदा गुजरातनी जीवादोरी छे, तो नर्मदा कयो शब्द छे? तो ऑप्शन सी ए व्यक्तिवाचक, ऑप्शन बी जातिवाचक, ऑप्शन सी द्रव्यवाचक, के ऑप्शन डी समूहवाचक। आंसर आवशे ए व्यक्तिवाचक। नर्मदा व्यक्तिवाचक शब्द छे। प्रश्न आठ, समास ओळखाओ गजानन। तो गजानन शब्दनो समास ओळखावानो छे। ऑप्शन सी ए बहुव्रीही, ऑप्शन बी उपपद, ऑप्शन सी दीर्घु, के ऑप्शन डी दंड। आंसर आवशे ए बहुव्रीही। गजानन शब्दनो समास थाय छे बहुव्रीही। प्रश्न नौ, बंधारण प्रमाणे नीचेनामांथी कयो मूलभूत हक नथी? ऑप्शन सी ए मिलकतना हक, ऑप्शन बी स्वतंत्रनो हक, ऑप्शन सी समानतानो हक, के ऑप्शन डी धार्मिक स्वतंत्रनो हक। आंसर आवशे ए मिलकतना हक। बंधारण प्रमाणे ते मूलभूत हक नथी, एटले के ते कायदेकीय हक करी देवामां आवेल छे। प्रश्न दस, निपात लखो, तमारे मात्र मौन रहेवानुं छे। तेमां निपात कयो छे ते आपणे जणाववानुं छे। ऑप्शन सी ए तमारे, ऑप्शन बी रहेवानुं, ऑप्शन सी मात्र, के ऑप्शन डी मौन। आनो आंसर आवशे सी मात्र। तमारे मात्र मौन रहेवानुं छे, तेमां निपात छे मात्र। प्रश्न अग्यार, एफडीआई शब्द कया क्षेत्र साथ संकळायेल छे? ऑप्शन सी ए विदेशी उड्डयन, ऑप्शन बी विदेशी निकास, ऑप्शन सी विदेशी संरक्षण, ऑप्शन डी विदेशी रोकाण। आनो आंसर आवशे डी विदेशी रोकाण। एफडीआई शब्द विदेशी रोकाण साथ संकळायेल छे। प्रश्न बार, अलंकार ओळखाओ, ते हरणीनी जेम त्यांथी नासी गई, तेमां आपणे अलंकार ओळखावानो छे। तो ऑप्शन सी ए रूपक, ऑप्शन बी अन्वय, ऑप्शन सी उपमा, के ऑप्शन डी उत्प्रेक्षा। आनो आंसर आवशे सी उपमा। ते हरणीनी जेम त्यांथी नासी गई, तेनो अलंकार थाय छे उपमा। प्रश्न तेर, विरोधी अर्थवाळो शब्द लखो। तो आस्तिकनो विरोधी शब्द आपणे जणાવવાનો છે। ऑप्शन सी ए नास्तिक, ऑप्शन बी स्वस्तिक, ऑप्शन सी प्रास्तविक, के ऑप्शन डी वास्तविक। आनो आंसर आवशे ए नास्तिक। आस्तिकनो विरोधी शब्द नास्तिक थाय छे। प्रश्न चौद, संत ओळखाओ, बच्चा थोड़ा श्वास एम नव थशे आम अथरो। तो आम आनो संत ओळखावानो छे आपणे। तो ऑप्शन सी ए मंदाक्रांता, ऑप्शन बी वसंतिलिका, ऑप्शन सी पृथ्वी, के ऑप्शन डी शिखरिणी। तो आनो आंसर आवशे डी शिखरिणी। आनो संत थाय छे शिखरिणी। प्रश्न पंदर, ચૂંટણીમાં મતદાન કરવા માટેનું ઓળખપત્ર આપવા માટે કોણ અધિકૃત છે? ઓપ્શન સી એ ભારતીય ચૂંટણી પંચ, ઓપ્શન બી તાલુકા વિકાસ અધિકારી, ઓપ્શન સી પુરવઠા અધિકારી, કે ઓપ્શન ડી પોલીસ કમિશનર। આનો આન્સર આવશે એ ભારતીય ચૂંટણી પંચ। ચૂંટણીમાં મતદાન કરવા માટેનું ઓળખપત્ર આપવા માટે ભારતીય ચૂંટણી પંચ અધિકૃત છે। પ્રશ્ન સોળ, ગુજરાત સરકાર દ્વારા અમલમાં મૂકેલ ચિરંજીવી યોજના અંતર્ગત કયો ખર્ચ સરકાર પોતે ઉપાડે છે? ऑप्शन सी ए प्रस्तुति समय, ऑप्शन बी बाड़कना भोजन, ऑप्शन सी खेती में नुकसान, ऑप्शन डी ट्रेक्टर खरीदवा। तो दोस्तों आना आंसर आवशे ए प्रस्तुति समय। प्रश्न सत्तर, रुद्रप्रयोग अर्थ लखो, गगन में उड़ू। तो आपणे रुद्रप्रयोग अर्थ जणाववानो छे।
ऑप्शन से ए उतावळ करवी, ऑप्शन बी फूलावू, ऑप्शन सी शक्य काम करूँ कि ऑप्शन डी पक्षी बनवू। आनो आंसर आवशे बी फूलावू, गगन में उड़ू तेनो रूढ़िप्रयोगनो अर्थ फूलावू थाय छे। प्रश्न 18, विशेषण लखो, वल्लभभाई लोखंडी पुरुष हता, तो आपणे आ वाक्य में विशेषण जणावानुं छे। ऑप्शन से ए लोखंडी, ऑप्शन बी हता, ऑप्शन सी वल्लभभाई, ऑप्शन डी पुरुष। आनो आंसर आवशे ए लोखंडी, वल्लभभाई लोखंडी पुरुष हता, तेमां विशेषण थाय छे लोखंडी। प्रश्न 19, संधि लखो परिणित, तो ऑप्शन से ए परि प्लस नत, ऑप्शन बी परि माइनस अणत, के ऑप्शन सी परि प्लस नत, के ऑप्शन डी परि प्लस अणत। आनो आंसर आवशे ए परि प्लस नत, परिणितनो संधि थाय छे परि प्लस नत। प्रश्न 20, राज्य सरकारनी कई योजना हेठळ ग्रामवासीओ एकटा मळी पोतानामांथी सर्वसंमतिथी ग्राम पंचायतना वहीवट माटे प्रतिनिधिओ नक्की करे छे, जेना थकी ग्राम पंचायतनी चूंटणी व्यापक समजूतीथी बिनहरीफ रीते अने सर्वसंमतिथी थाय छे। तो ऑप्शन सी ए समरेख ग्राम योजना, ऑप्शन बी संवाद ग्राम योजना, ऑप्शन सी विश्व ग्राम योजना, के ऑप्शन डी आदर्श पंचायत योजना। आनो आंसर आवशे ए समरस ग्राम योजना। दोस्तों पहला 20 मोस्ट एम्पी प्रश्न जोया, अत्यारे हवे बीजा 20 प्रश्न जोवाना छे। तो प्रश्न छे एक, भारतीय चूंटणी पंच मुजब नीचेनामांथी कयो पक्ष राष्ट्रीय राजकीय पण नथी? ऑप्शन से ए नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, ऑप्शन बी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, ऑप्शन सी बहुजन समाज पार्टी, के ऑप्शन डी समाजवादी पार्टी। तो दोस्तों आनो आंसर आवशे डी समाजवादी पार्टी, ते राष्ट्रीय अलके पक्ष नथी, राजकीय पण नथी। प्रश्न बीजो, विश्व आरोग्य संस्था WHO मुजब नीचेनामांथी कया राष्ट्र मेलेरियाथी मुक्त छे? ऑप्शन से ए भारत ने श्रीलंका, ऑप्शन बी श्रीलंका ने पाकिस्तान, ऑप्शन सी श्रीलंका ने मालदीव, के ऑप्शन डी पाकिस्तान ने मालदीव। आनो आंसर आवशे सी श्रीलंका ने मालदीव, ते राष्ट्र मेलेरियाथी मुक्त छे। प्रश्न 3, रियो पहला ओलंपिक में कई रमत में देवेंद्र जाजरिया सुवर्ण चंद्रक जीत्यो हतो? ऑप्शन से ए डिस्ट्रिक्ट थ्रो, ऑप्शन बी शॉर्ट पुट, ऑप्शन सी जेवलिन थ्रो, के ऑप्शन डी हेमर थ्रो। आनो आंसर आवशे सी जेवलिन थ्रो, देवेंद्र जाजरियाए सुवर्णचंद्रक जेवलिन थ्रो में जीत्यो हतो। प्रश्न 4, भारत सरकारे स्वच्छ भारत अभियानना मास्टक रूपे कोने जाहेर कर्या छे? ऑप्शन से ए हेमलता मुख, ऑप्शन बी अर्पणा जीतमल, ऑप्शन सी ज्योतना करपरिया, ऑप्शन डी कुंवरबाई। आनो आंसर आवशे डी कुंवरबाई, भारत सरकारे स्वच्छ भारत अभियानना मास्टक रूपे कुंवरबाईने जाहेर कर्या छे। प्रश्न 5, रियो ओलिम्पिकमां कई महिला ગોલ્ફરે ભારતનું પ્રતિનિધિત્વ કર્યું હતું? ऑप्शन से ए अदिति अशोक, ऑप्शन बी दीपिका लहरी, ऑप्शन सी साक्षी सोनवाल, के ऑप्शन डी गंजम श्रीवास्तव। आनो आंसर आवशे ए अदिति अशोक, ते महिला ગોલ્ફરે ભારતનું પ્રતિનિધિત્વ કર્યું હતું રિયો ઓલિમ્પિકમાં। પ્રશ્ન 6, નીચેનામાંથી કોને હાલમાં IIM અમદાવાદના ચેરમેન તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે? ઓપ્શન સી એ રતન ટાટા, ઓપ્શન બી ગૌતમ અદાણી, ઓપ્શન સી કુમાર મંગલમ બિરલા, કે ઓપ્શન ડી ઇલા ભટ્ટ। આનો આન્સર આવશે સી કુમાર મંગલમ બિરલા, IIM અમદાવાદના ચેરમેન તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે। પ્રશ્ન 7, રિઝર્વ બેંકના ગવર્નર ઉર્જિત પટેલ મૂળ કયા જિલ્લાના વતની છે? ઓપ્શન સી એ અમરેલી, ઓપ્શન બી ભાવનગર, ઓપ્શન સી સુરત, ઓપ્શન ડી ખેડા। આનો આન્સર આવશે ડી ખેડા, ઉર્જિત પટેલ જે મૂળ ખેડા જિલ્લાના છે। દોસ્તો રિઝર્વ બેંકના ગવર્નર અત્યારે બદલાઈ ગયા છે, તમને માલુમ જ હશે। પ્રશ્ન 8, અમદાવાદમાં યોજાયેલી કબડ્ડી વિશ્વકપની ફાઇનલમાં ભારતે કયા દેશને હરાવ્યો હતો? ઓપ્શન સી એ પાકિસ્તાન, ઓપ્શન બી ઈરાન, ઓપ્શન સી ઇરાક, ઓપ્શન ડી બાંગ્લાદેશ। આનો આન્સર આવશે બી ઈરાન, અમદાવાદમાં યોજાયેલી કબડ્ડી વિશ્વકપની ફાઇનલમાં ભારતે ઈરાન દેશને હરાવ્યો હતો, ઈરાન ઇરાક નહીં, ખાસ યાદ રાખજો। પ્રશ્ન 9, નીચેનામાંથી કયા રાજ્યમાં ઇલેક્ટ્રોનિક સિગારેટ પર પ્રતિબંધ છે? ઓપ્શન એ કેરળ, ઓપ્શન બી આંધ્રપ્રદેશ, ઓપ્શન સી આસામ, કે ઓપ્શન ડી દિલ્હી। આનો આન્સર આવશે એ કેરળ, કેરળ રાજ્યમાં ઇલેક્ટ્રોનિક સિગારેટ પર પ્રતિબંધ છે। પ્રશ્ન 10, પ્રાચીન નાલંદા વિશ્વવિદ્યાલય આજના કયા રાજ્યમાં આવે છે? ઓપ્શન સી એ ઉત્તર પ્રદેશ, ઓપ્શન બી બિહાર, ઓપ્શન સી ઝારખંડ, કે ઓપ્શન ડી મધ્યપ્રદેશ। આનો આન્સર આવશે બી બિહાર, પ્રાચીન નાલંદા વિશ્વવિદ્યાલય આજના બિહાર રાજ્યમાં આવેલ છે। પ્રશ્ન 11, લોઢા સમિતિની રચના કોણે કરી હતી? ઓપ્શન સી એ BCCI, ઓપ્શન બી સર્વોચ્ચ અદાલત, ઓપ્શન સી ICC, ઓપ્શન ડી કેન્દ્રના રમત ગમત મંત્રાલયે। આનો આન્સર આવશે બી સર્વોચ્ચ અદાલત, લોઢા સમિતિની રચના સર્વોચ્ચ અદાલતે કરી હતી। પ્રશ્ન 12, જલ્લુકટ્ટુ એટલે શું? ઓપ્શન સી એ બળદ આધારિત એક રમત, ઓપ્શન બી એક પ્રાર્થના, ઓપ્શન સી બોક્સિંગ સ્પર્ધા, ઓપ્શન ડી તરવાની એક સ્પર્ધા। આનો આન્સર આવશે એ બળદ આધારિત એક રમત, જલ્લુકટ્ટુ એટલે બળદ આધારિત એક રમત થાય છે। પ્રશ્ન 13, નમ્મા મેટ્રો તે કયા શહેરની મેટ્રો સેવા છે? ઓપ્શન સી એ હૈદરાબાદ, ઓપ્શન બી કોલકાતા, ઓપ્શન સી
विशाखापट्टनम, ऑप्शन डी बेंगलुरु। आनो आंसर आवशे डी बेंगलुरु। नम्मा मेट्रो ते बेंगलुरु शहेरनी मेट्रो सेवा छे। प्रश्न 14, कया राज्य में सुरक्षित पीवानुं पाणी पाइपलाइन थी उपलब्ध करवानी योजना मिशन भगीरथ आरंभ करवामां आव्यो हतो? ऑप्शन सी ए गुजरात, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी तेलंगाणा, ऑप्शन डी तमिलनाडु। आनो आंसर आवशे सी तेलंगाणा। तेलंगाणा राज्य में मिशन भगीरथ आरंभ करवामां आव्यो हतो। प्रश्न 15, भारत की समय रेखा नीचेनामांथी कई रेखा है? ऑप्शन सी ए 62.5 पूर्व रेखांश, ऑप्शन बी 72.5 पूर्व रेखांश, ऑप्शन सी 82.5 पूर्व रेखांश, ऑप्शन डी 92.5 पूर्व रेखांश। आंसर आवशे सी 82.5 पूर्व रेखांश। भारत की समय रेखा 82.5 पूर्व रेखांश छे। प्रश्न 16, टीरोट सिंह एक स्वतंत्र सेनानी हता ते कया राज्य ने हता? ऑप्शन सी ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी मेघालय, ऑप्शन डी त्रिपुरा। आंसर आवशे सी मेघालय। तिरुट सिंह एक स्वतंत्र सेनानी हता ते मेघालय राज्यना हता। प्रश्न 17, ध्यानचंद्र एक सुप्रसिद्ध खिलाड़ी हता ते कई रमत रमता हता? ऑप्शन सी ए बैडमिंटन, ऑप्शन बी कबड्डी, ऑप्शन सी हॉकी, ऑप्शन डी फूटबॉल। आंसर आवशे सी हॉकी। ध्यानचंद्र एक सुप्रसिद्ध खिलाड़ी हता ते हॉकी रमत रमता हता। प्रश्न 18, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान माटे हालमां नीचेनामांथी कोने ब्रांड एम्बेसेडर जाहिर करवामां आव्या छे? ऑप्शन सी ए सानिया मिर्जा, ऑप्शन बी साइना नेहवाल, ऑप्शन सी साक्षी मलिक, ऑप्शन डी ज्वाला गट्टा। आंसर आवशे सी साक्षी मलिक। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओना ब्रांड एम्बेसेडर साक्षी मलिक छे। प्रश्न 19, नीचेनामांथी सौथी नानो बॉल कयो छे? ऑप्शन सी ए क्रिकेट बॉल, ऑप्शन बी हॉकी बॉल, ऑप्शन सी स्क्वॉश बॉल, ऑप्शन डी टेनिस बॉल। आंसर आवशे सी स्क्वॉश बॉल। नीचेनामांथी सौथी नानो बॉल स्क्वॉश बॉल छे। प्रश्न 20, નીચેનામાંથી કયું સ્થળ અશોકસ્તંભથી જોડાયેલું છે? ઓપ્શન સે એ સાંચી, ઓપ્શન બી ખજુરાહો, ઓપ્શન સી માંડુ, ઓપ્શન ડી છત્રી। આનો આન્સર આવશે એ સાંચી। દોસ્તો આપણે 40 મોસ્ટ ટાઈમ્પી પ્રશ્નો જોયા, જે તલાટી માટે ખૂબ જ અગત્યના છે। અને દોસ્તો આવા જ વિડીયો માટે અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો અને દોસ્તોમાં શેર કરો। અને જો દોસ્તો વિડીયો તમને ગમ્યો હોય તો લાઇક અને શેર તો કરી જ દેજો। જય હિન્દ, જય ભારત।